हाई ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू द डिवाइन गाइडेंस बाय रेनू। मेरा नाम रेनू है और मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शाउट आउट टू ऑल माई ओल्ड एंड न्यू सब्सक्राइबर्स। आपकी लाइकिंग के लिए, आपके शेयरिंग के लिए, आपके सब्सक्राइबिंग के लिए मेरे चैनल को, और इतने सारे अच्छे एंड पॉजिटिव कमेंट्स का ढेर लगाने के लिए, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटिंग है मेरे लिए, सो थैंक यू सो मच। और ये रीडिंग है 4th of August के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू जो 4th August को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड या एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे ऑल योर विशेस कम ट्रू दिस ईयर। ठीक है, और चलते हैं ओवरऑल एनर्जी कौन सी होगी आज जो है। मैं वैसे अपसाइड डाउन कार्ड नहीं रीड करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को लगा कोई पर्पस है अपसाइड डाउन कार्ड निकलने का, तो मेरे को ये रीड करने पड़े हैं ऐसे आज। तो फर्स्ट कार्ड है ओवरऑल एनर्जी के लिए लवर्स का और क्वीन ऑफ कप का। लवर्स का यहाँ पे कार्ड मेरे को ये दिखा रहा है कि यहाँ पे भगवान जो भी जो है, आप और आप पार्टनर जो किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जो टॉक्सिक है, उस रिलेशनशिप में से भगवान आज खुद इंटरवीन करके, खुद जो है एंजल्स जो खुद आके आपकी हेल्प करने वाली हैं, आपको पुल करने वाली हैं। ये डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, मस्कुलिन हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको जो है ये एनर्जी जो है इस रिलेशनशिप में से पुल की जा रही है। तो ये मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पे, ये गॉड खुद आके इंटरवीन कर रहे हैं यहाँ पे। जो हो सकता है कि आप जो है प्रे कर रहे थे या आपसे नहीं हो पा रहा था, आप इतने स्ट्रांग इम्पैथ हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान को ये स्टेप इन करना पड़ रहा है यहाँ पे आपको आगे ले जाने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। तो आप देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे है। क्वीन जो है अपना कप जो है अवे लेके जा रही है यहां से, इस सिचुएशन में से, इस रिलेशनशिप में से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमोशनली वो जो है फिजिकली अपने आप को पुल कर रही है आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। ठीक है ना, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है डिवाइन इंटरवेंशन के कारण हो रहा है यहाँ पे। तो जो हो सकता है कईयों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और ग्रोथ के लिए यहाँ पे जरूरी हो। और ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, एक साइकिल हो सकता है जो कंप्लीट हो रहा है, ये कार्मिक साइकिल था शायद जो आपने बहुत ब्यूटीफुली कंप्लीट करा, इसलिए भगवान जो है एंजल्स आपके आपको आपके डेडिकेशन को देख के वो खुद आ रहे हैं आपको इसमें से निकालने के लिए। और एक और चीज यहाँ पे स्पेशली डिवाइन फेमिनिन के लिए जो स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम कर रही है ना, उनका मेरे को लगता है कि जो है ना यहाँ पे स्नेक जो है बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे मेरे को दिख रहा कि उनकी जो है एनलाइटनमेंट हो रही है, कुंडली अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखो कि अगर आपके रूट चक्रा पे टिंगलिंग हो रही है या नेवल जो नाभि है वहां पे अगर टिंगलिंग हो रही है, तो आपको ये हो सकता है कि आप कुंडली अवेकन हो रही है आपकी। तो ये एनर्जी बनी हुई है ओवरऑल जो है 4th August की। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हेल्थ की तरफ। हेल्थ में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो ये भी अगेन अपसाइड डाउन है कार्ड है। मेरे को लगता है यहाँ पे आपको जो मैसेजेस भी आ रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं कि जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको अपने डाइट की तरफ ध्यान रखो या कुछ योगा स्टार्ट करो, कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करो, कुछ चेंज करने के लिए जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है वो चेंज करने के लिए आपको मैसेजेस आ रहे हैं, जो मैसेजेस आप इग्नोर कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, इसलिए जो है ना ये कार्ड जो है अपसाइड डाउन है। ये हर एक के लिए, हर एक पर्सन के लिए अलग हो सकता है। ये हो सकता है कि कुछ खाने के लिए आ रहा है कि ये नहीं खाना आपने, ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रिक्टली फूड नहीं खाना है आपको, नहीं खाना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। या कह लो कि मेंटल ही स्ट्रेस जो है आपके लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप इग्नोर नहीं कर रहे हो उसको, पर्पसली जो है अपने स्ट्रेस को जो है दूर नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये जो आप हेड में आपके चल रहा है लेकिन आप मान नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपको ये क्लियर करना है जो, ताकि ये जो है आपकी हेल्थ जो है बेटर हो जाए। जो भी आपके हेड में चल रहा है या स्ट्रेस दे रहा है या कुछ ऐसा चेंजेस करने हैं लाइफ में जो आपको आइडिया कल या आज आएंगे, लेकिन यू हैव टू फॉलो इट, इग्नोर मत करो प्लीज, उसको फॉलो करो, ताकि ये जो है ना कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना सीधी हो जाए कल के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट
करियर एंड फाइनेंस की तरफ, उसके लिए मेरे पास अगेन दो कार्ड हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, कोई भी ऐसा क्रिएटिव आइडियाज या कुछ ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें से आपको जो है काम करने को, आपके पैसा बनाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मौका मिल सकता है कल को। लेकिन आपने ध्यान कर रखना है कि इस मौके को ना बड़ी ब्यूटीफुली नर्चर करना है, ध्यान देना है इसको। ऐसे नहीं है कि चलो आ गया एंड बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल एंड प्लस जो है उसको नर्चर करना है। जो भी ये अपॉर्चुनिटी है ना, उसको एम्प्रेस का कारण ना, जो बड़ी मदर जैसा होता है, जो तो मदर जैसे अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर करती है ना, ठीक है, दिल से। तो उस तरह से आपने इस अपॉर्चुनिटी की जो है ना केयर करनी है उसको। ऐसे नहीं है कि आया वो चला गया तो आप फिर बाद में पछताओ। उसको अगर आया है उसको ध्यान दो, बी ग्रेटफुल कि ये आपको मिला है मौका पैसा कमाने का, ठीक है ना। और आप जो है बड़ी बड़ी लविंग एंड केयर उसके ऊपर टाइम स्पेंड करके जो है उस आइडिया को, जो है उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो, ठीक है। जैसे अगर कोई क्लाइंट आता है आपके हीलिंग के लिए, तो आप हील कर रहे हो लेकिन उसमें अपना पूरा डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो और ग्रो करे। और आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि ये मौका आपको भगवान ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो है लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। वो उसमें भी मेरे पास दो कार्ड हैं यहाँ पे, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन ये क्वीन ऑफ कप का था यहाँ पे कार्ड, तो ये भी कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और ये भी यहाँ पे भी अगेन लवर हो सकता है या कोई भी ऐसे लोग जो आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, पीछे से आपके बहुत सारे गलत बातें कर रहे हैं आपके बारे में, आपके करेक्टर के बारे में, आपके बहुत मतलब एक्सट्रीम तक एक डेविल एनर्जी को कैचअप कर रहे हैं वो लोग, बहुत एक्सट्रीम तक जा रहे हैं। उस तरह की एनर्जी है ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की। मेरे को लगता है कि अगर आपको ऐसे कुछ नजर आएगा आज, तो आप कट करने वाले हो ऐसे लोगों को, कट ऑफ करने वाले हो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में से, ठीक है। इसलिए आपकी पीठ भी वहाँ पे मुड़ी हुई, क्योंकि आप साफ साफ नज़र देख सकते हो इन लोगों की जो भी ये टॉक्सिक चीज़ें कर रहे हैं आपकी जो पीठ के पीछे। इसलिए जो कारण है इस तरह से है, पीठ के पीछे बहुत कुछ आपके चल रहा है, उन लोगों के दिमाग में बहुत कुछ गलत चीज़ें वो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत गलत बातें आपके बारे में कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अपने आप को सही प्रूव कर सकें। बहुत कुछ आपके बिहाइंड बैक के पीछे बोला जा रहा है। तो मेरे को लगता है आप आज के दिन जो है इन लोगों को अपनी लाइफ में से कट ऑफ करने वाले हो। आपको कोई परवाह नहीं है क्योंकि आप क्वीन हो, आप मैच्योर हो, आपको पता है कि इनके बिना जो है लाइफ आपकी जो है आप इंडिपेंडेंट हो, आपको क्लियर है सब कुछ, क्लैरिटी आपके सामने है, भगवान आपको क्लैरिटी दे रहा है इस बात की भी, जो भी ये हो रहा है उसकी क्लैरिटी है, आपको सब पता है, आपको दिमाग में सब कुछ आपको नज़र आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, सब पता है आपको। तो ये आप कट करने वाले हो, ये लव एंड रिलेशनशिप वाले कार्ड हैं। तो ऐसे मैनिपुलेटिव पीपल को, ऐसे ईगो वाले पीपल को, ऐसे डेविल एनर्जी को आप कट करने वाले हो अपनी लाइफ में से। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ। स्पिरिचुअलिटी में जो है ना द मून का कार्ड है। मून अगेन जो है ना आपको ना रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप लोग सोच रहे हो, जो भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, इंट्यूशन आज आपकी हाई होने वाली है, इसलिए ताकि जो है ना ये आप ये अंडरस्टैंड कर सको और ये अंडरस्टैंड करो स्पेशली जिस जो भी लोग हैं, जो भी पार्टनर से रिलेटेड है, अगर ये लोगों बाकी लोगों से रिलेटेड है, ये घर में फैमिली में ही रिलेटिव में से जिससे भी ये रिलेटेड है ना, उसको आप ना ध्यान देख सको, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सको और जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको सुन सको। ये भगवान आज स्ट्रांगली ये है ना कि इंट्यूशन का आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना आप जो है सही जो है डिसीजन ले सको। ये डिसीजन का कार्ड भी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप क्लियर कट जो है ना आपको क्लियर होना चाहिए माइंड ना, कोई भी डिसीजन आपका बड़ा लाइफ का लेने के लिए आपके तो क्लियर करना है आपको, इंट्यूशन इतनी को फॉलो करना है आपने, क्लियर होने चाहिए आपको कि हाँ मेरे को सब कुछ दिख रहा है एंड आई एम डूइंग दैट। अपने फैसले पे अपने फर्म रहना है और क्लियर रहना है,
तो ये क्लैरिटी आपको जो है स्वॉर्ड्स के साथ मिल रही है, तो प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दो। तो आगे चलते हैं हम लोग, क्वाइट टाइम, या जब आप क्वाइट होगे ना तो ये जो मैसेजेस है ना आपके, इसलिए ये स्वॉर्ड का कार्ड है कि अपने माइंड को क्लियर करो, स्ट्रेस से से वो कर मुक्त कर दो अपने माइंड को, ताकि ये जो है ना आप क्वाइट टाइम लोगे, जब अपने आप के साथ टाइम बिताओगे ना, तो ये ऑलरेडी जो है इंट्यूटिव मैसेजेस आपको आने शुरू हो जाएंगे, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि आपको लाइफ में करना क्या है। और अगर आपका एंजल से कोई क्वेश्चन है तो आप पॉज करके अभी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं वो एंजल कार्ड निकालने वाली हूँ राइट नाउ। तो ये रहा आपका कार्ड रिकवरी, डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ से आपको अपने आप को रिकवर कर रहे हो। आज के दिन 4 अगस्त के दिन आप जो है रिकवर करने वाले हो। और ये देखते हो यहाँ पे अगेन जो है गॉड जो है एंजल्स आपके पास खड़े हैं, तो घबराना नहीं है जो भी आप कर रहे हो आज, क्योंकि ये वो ही आपको गाइड भी कर रहे हैं, इंट्यूटिवली आपको बता रहे हैं कि क्या करना है अपनी लाइफ में, और आपके साथ भी खड़े हैं ताकि आपके साथ जो है ना लोग बुरा ना कर सकें, ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी ना आप तक पहुंचा सकें, आपको इन्फ्लुएंस ना कर सकें अपने इरादों के साथ। तो हेल्थ की रिकवरी हो सकती है, ये करियर फाइनेंस में किसी भी चीज़ की जो आप चाह रहे हो बहुत राइट नाउ, जहाँ पे भी आपका फोकस बना हुआ है वहाँ से आपको रिकवरी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एनर्जी वर्क, लाइफ कैन बी इलेक्ट्रीफाइंग बिकॉज इट्स वेरी एसेंसिस एनर्जी, योर बॉडी इज अ रिमार्केबल एनर्जी फील्ड दैट विल पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड टू लविंग ट्रीटमेंट्स, योर हैंड्स एंड हार्ट आर एक्टिवेटेड टू गिव हीलिंग एनर्जी टू योर लव्ड वंस एंड क्लाइंट्स। या ये भी हो रहा है कि आप जो है एनर्जी वर्क में एंटर करने जा रहे हो, हीलिंग वर्क में एंटर करने जा रहे हो, किसी भी तरह से जो हील करना चाहते हो फुली, यानी कि कल भी ये कार्ड था किंग ऑफ उसका स्पिरिचुअलिटी के लिए किंग ऑफ फायर का, कि अब फुली अब एम्बिशियस और फुली तैयार हो अपने सोल पर्पस को फुली एम्ब्रेस करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि फुल टाइम, पहले तो मैं सोच रही थी, थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट किया, लेकिन नाउ फुली यू आर डेडिकेटिंग योर लाइफ फॉर योर सोल पर्पस। यहाँ पे एनर्जी वर्क का, क्योंकि आपके जो है चक्रास एक्टिवेट कर रहा है भगवान, ताकि है अब जो है एक सिचुएशंस में से निकल के जो हैवी स्वॉर्ड्स एनर्जीज हैं उनमें से निकल के आप फुली जो है स्पिरिचुअली अपने आप को डेडिकेट कर सको लोगों की हेल्प के लिए। सो दैट्स सेट फॉर 4th of August। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी और कैसे रेजोनेट करती है। हमेशा ही दो दो कार्ड निकलते हैं, मैं चाहती हूँ कि एक एक कार्ड निकले, लेकिन हमेशा ही दो दो कार्ड निकलते हैं सिचुएशन के लिए। तो मेरे को बताएं कि कौन से ये पेंटिकल वाला जो है आपका न्यू आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये लवर्स और कप वाली कौन क्या एनर्जी है आपकी लाइफ में, स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी टू लव वाली। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो, बाय फॉर नाउ।